नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम शुरुआती आग, मतलब जब कोई आग जलने के लिए तैयार हो तब उस आग को बुझाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इस यंत्र से हम या इस एक्सटिंग्विशर से हम बड़ा आग को नहीं बुझा सकते, यह छोटा आग ही बुझा सकता है और आग को फैलने से रोक सकता है। तो अब जानते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर वैसे मुख्य चार प्रकार के होते हैं। इसमें अभी दो प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर और जोड़ दिए गए हैं, तो मैं आपको चार प्रकार के ही फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा। तो ए क्लास फायर के लिए जो एक्सटिंग्विशर उपयोग होता है वह कहलाता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। इसमें सामान्य पानी भरा होता है जो लकड़ी, पेपर, कागज, प्लास्टिक, इस तरह की आग को बुझाने के लिए उपयोग होता है। दूसरा जो एक्सटिंग्विशर होता है वह होता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। यह एक्सटिंग्विशर में केमिकल डला रहता है जो फोम कहलाता है। वह फोम जो निकलने के बाद डिटर्जेंट पाउडर की तरह झाग छोड़ता है और झाग से ऑक्सीजन कटअप होकर आग बुझ जाता है। यह फोम एक्सटिंग्विशर ऑयल फायर के लिए उपयोगी है। इससे हम तेल, पेट्रोल या अन्य प्रकार की जो ऑयल फायर होता है उसे हम आसानी से बुझा सकते हैं। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से हम ऑयल के आग के साथ साथ हम सामान्य आग को भी बुझा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे फायर की तरफ। तीसरा फायर जो होता है वह होता है गैस फायर। तो गैस फायर के लिए हमें जो एक्सटिंग्विशर चाहिए वह होता है CO2। CO2 इससे हम गैस फायर को आसानी से बुझा सकते हैं। यह जो CO2 एक्सटिंग्विशर होता है इसका उपयोग हम गैस फायर के साथ साथ इलेक्ट्रिक फायर में, इसका उपयोग करने से हमें शॉक भी नहीं लगता क्योंकि इसमें पानी नहीं होता, इसलिए CO2 का उपयोग हम बिजली के लिए भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फायर के लिए भी कर सकते हैं। CO2 का उपयोग पेपर के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑफिस है, ऑफिस में फाइल है, ऑफिस में फाइल रहता है, फाइल में कहीं आग लग गया तो इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम पानी का उपयोग नहीं कर सकते। पानी का उपयोग तो कर ही सकते हैं क्योंकि उसमें हम पानी का उपयोग करेंगे तो फाइल जो है वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर हम CO2 का उपयोग करेंगे तो फाइल जो है वो सेफ रहेगा। तो इससे क्या है, हमारा फाइल सुरक्षित रहेगा और आग भी बुझ जाएगा। तो CO2 का उपयोग आप कर सकते हैं। और चौथा जो फायर होता है वह होता है मेटल फायर। मेटल फायर इसमें DCP उपयोग होता है, ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई केमिकल पाउडर के उपयोग से हम मेटल फायर, मतलब धातु फायर के लिए उपयोग करते हैं। धातु फायर में DCP का उपयोग करते हैं। DCP एक प्रकार केमिकल पाउडर होता है जो वातावरण में फैल के ऑक्सीजन का कटअप करके आग को आसानी से बुझा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, मतलब हम आग को किस तरह से बुझा सकते हैं। पहला होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भुखमरी। आग को जलने के लिए तीन चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला है हीट, दूसरा है फ्यूल, तीसरा है ऑक्सीजन। इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो वह आग नहीं जल पाएगा। इसमें हमें स्टारवेशन में फ्यूल को हटा देना होगा। फ्यूल को हटाने से क्या है, आग नहीं जल पाएगी और आग बुझ जाएगी। इसको हम स्टारवेशन या भूखमरी कहते हैं, मतलब आग को भूखा मारना। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, वह होता है स्मोदरिंग। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ऑक्सीजन का कटअप करना होगा, मतलब जहाँ आग जल रहे हैं वहाँ पर हमें किसी चीज़ को उसको ढक देना होगा आग के ऊपर। मान लो आग जल गया, के ऊपर हम रेत डाल दिए,
तो क्या है, ऑक्सीजन का कटअप हो जाएगा और ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होता है, आग जलना बंद हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्मोदरिंग। एक्सटिंग्विशिंग फायर का तीसरा जो है वह है कूलिंग। कूलिंग मतलब ठंडा करना। अब जैसे आपको पता है कि स्ट्रेंगल में ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, इन तीनों चीज़ की उपलब्धता में आग जल रही है, तो इसमें हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ताप को हटाना होगा, मतलब हीट को हटाना होगा। तो हीट को हटाने के लिए हमें उसमें पानी डाल दें, पानी डालने से वो ठंडा हो जाएगा या उसका जो ताप है वो कम हो जाएगा, तो वह जो है आग नहीं जल पाएगी। इसको बोलते हैं हम कूलिंग। तो आप इस तीन प्रकार से आग को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें आप ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को फायरमैन ड्रिल के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, फायरमैन ड्रिल में हमारा आज का जो ड्रिल है वह है फायरमैन रेस्क्यू ड्रिल। फायरमैन रेस्क्यू ड्रिल में आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ फायरमैन लिफ्ट। फायरमैन लिफ्ट ड्रिल जो होता है वह किस प्रकार से होता है, कैसे करते हैं और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में आपको मैं डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। फायरमैन ड्रिल यह एक बॉडी पेयर ड्रिल होता है। इस ड्रिल को करने के लिए दो जवानों की जोड़ी की जरूरत पड़ती है। इस ड्रिल में किसी भी प्रकार की कोई सामान की जरूरत नहीं पड़ती। यह ड्रिल बचाव कार्य के लिए किया जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको फायरमैन ड्रिल का प्रयोग। फायरमैन ड्रिल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जब कोई व्यक्ति घायल या बेहोश हो जाता है तो उस व्यक्ति को दुर्घटना वाले स्थान से किसी सुरक्षित जगह ले जाने के लिए इस ड्रिल का प्रयोग करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि फायरमैन ड्रिल जो होता है उससे किस तरह से हम किसी व्यक्ति को किसी बिल्डिंग से नीचे लाते हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से हम एक बिल्डिंग में फंसे व्यक्ति को लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो फायरमैन जो होता है वह उस व्यक्ति को बिल्कुल ही सुरक्षित ढंग से अपने कंधे पर लिटाकर और लेडर के सहारे बिल्डिंग से नीचे लेके आता है। इस ड्रिल को फायरमैन ड्रिल कहते हैं। देखिए इस वीडियो में बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से किसी बेहोश व्यक्ति को नीचे लेके आते हैं कोई फायरमैन, ये देखिए इस फायरमैन का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल होम सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को आग से संबंधित जानकारी दूंगा, जिसमें आप आग से होने वाली दुर्घटनाओं या घटनाओं से आप कैसे आसानी से बच सकते हैं, आप कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, आप अपने घर को, ऑफिस को या अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे आग। आग क्या है, आग बनती कैसे है या आग जलती कैसे है। दोस्तों, आग को बनने या जलने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। अगर हम इस आग को त्रिभुज के आकार में बनाएं और इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, मतलब इन तीनों के बिना आग का बनना या जलना संभव नहीं हो सकता।
दोस्तों हमारा आने वाला अगला वीडियो देखिए आग के प्रकार। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको आग के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर चार प्रकार के होते हैं, ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर, डी क्लास फायर। ए क्लास फायर यह एक ऐसा आग होता है जो जलने के पश्चात कार्बन छोड़ देता है, जैसा कि ये देखिए, जैसे लकड़ी, कागज, कोयला इत्यादि, ये सब ए क्लास फायर में आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ बी क्लास फायर यह ऑयल फायर है। इसमें मुख्यतः तेल, पेट्रोल, डीजल या मिट्टी तेल इत्यादि जो तरल पदार्थ से जलता है, वह बी क्लास फायर में आता है। अब हम आ जाते हैं तीसरे फायर पे, मतलब सी क्लास फायर। इस फायर पे क्या होता है, गैस फायर जैसा कि में आता है। तो देखिए, ये होता है ब्यूटेन, मीथेन और एलपीजी गैस जो होता है वो मीथेन गैस होता है। तो देखिए, ये सी क्लास फायर जो है वो गैस फायर में आता है, इत्यादि जो भी गैस फायर हो वो गैस फायर सी क्लास में आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ चौथा फायर जो होता है वो होता है डी क्लास फायर। चौथा डी फायर जो है वह होता है मेटल फायर। मेटल फायर मतलब धातु फायर, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये फायर जो है यह डी फायर मतलब मेटल फायर में आता है। तो दोस्तों, मैं आपको अपना अगला वीडियो में बताऊंगा आग को बुझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं आज आप लोग को आग की सुरक्षा के 10 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत ही काम आएगा। चलिए, पहला नंबर कौन सा है, आग लगने की स्थिति में तुरंत 101 नंबर पे कॉल करें और आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दें, और कॉल करते समय उस स्थान या लोकेशन को सही तरीके से बताएं जहां पर आग लगा है, और यह ना सोचे कि कोई और व्यक्ति 101 नंबर पे कॉल करके फायर ब्रिगेड को सूचना दे दिया होगा। अगर कोई सूचना दे भी दिया हो तो भी आप एक बार सूचना जरूर दें। दूसरा उपाय, अगर किसी इमारत में आग लग गई है तो वहाँ की अलार्म मतलब अग्नि सूचक यंत्र जो होता है उसे सक्रिय करें, बजाएं और वहाँ के लोगों को सतर्क करें। उसके बाद आग आग करके जोर जोर से चिल्लाएं, लोगों को बहुत ही कम समय में इसकी सूचना दें। तीसरा नंबर, बिल्डिंग में आग लगने पर लिफ्ट का उपयोग ना करें, केवल सीढ़ियों का ही प्रयोग करना चाहिए। चौथा जो है वह है, अगर आप किसी भी जगह धुएं से घिरे हुए हो तो आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी गीले कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अब है पांचवा, अगर जहां आग लग गया है वहां पर किसी कमरे में आप फंस गए हो और वहां धुआं भरा है, उस कमरे से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप उस कमरे के सभी खिड़की और दरवाजे को बंद कर दें ताकि बाहर की जो धुआं है वह अंदर ना आए और नीचे ज़मीन पर लेट जाए। हो सके तो आप गीले कपड़े से मुंह और नाक को ढक लें। अब चलते हैं छठवें नंबर पे, आप अपने सुरक्षा के लिए स्मोक डिटेक्टर अपने ऑफिस और घर में अवश्य लगवाएं, जिससे कभी भी आग लगने की स्थिति पे धुआं निकलेगा तो वह अलार्म
तो वह अलार्म एक्टिव होकर बजने लगेगा, आपको सूचित करेगा। अब सातवें नंबर पर चलते हैं। समय समय पर अपने घर या ऑफिस में लगे स्मोक डिटेक्टर, पानी के स्रोत, अग्निशमन यंत्र, इसकी जांच हमेशा करवाते रहें। अब चलते हैं आठवें नंबर पे। अगर आपके कपड़े में आग लग जाए तो भागे नहीं, भागने से आग और भड़केगी। इससे बचने के लिए आप जमीन पर लेटकर उलट पुलट, मतलब गोल गोल रोल करें, जिससे आग बुझ सकती है। अगर हो सके तो आप कंबल, कोट या मोटे कपड़े से ढक कर आग बुझा सकते हैं। अब चलते हैं नौवें नंबर पे। जिस जगह पर आग लगी है उस जगह पर भीड़ ना करें। भीड़ करने से आपातकालीन अग्नि सेवा बचाव कार्य में बाधा होती है। हो सके तो 101 पर सूचना देकर वहां से दूर हो जाएं। अब चलते हैं दसवें नंबर पे। किसी भी बिल्डिंग या भीड़ भाड़ वाली जगह पर आग लग जाए तो वहां भगदड़ होने से बचाएं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कौशिक। मैं एक प्रशिक्षित फायरमैन हूं। मैं एयरपोर्ट चक्रभाटा बिलासपुर में फायरमैन के रूप में तैनात हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा दिखाए गए वीडियो को कृपया घर पे ट्राई करके ना देखें, इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। यह जो वीडियो है वह आपातकालीन स्थिति में एलपीजी गैस की आग को बुझाने के लिए आपको दिखाया गया है। आप कृपया इस वीडियो को देखकर सीखें कि किस तरह से आपातकालीन स्थिति में, मतलब जब कभी एलपीजी गैस में आग लग जाए और गैस की रेगुलेटर अगर ख़राब हो जाए और उसका स्विच जो है वह बंद ना हो, तो इस स्थिति में आग लग जाए तो आप किस तरह से उस आग को आसानी से बुझा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरा इस वीडियो में दिखाया हूं, जो बिल्कुल सत्य है और इसे आप कर सकते हैं। लेकिन कृपया अपने घर पे डेमो ना करें। जब आपात स्थिति हो तभी इसका उपयोग करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक लाइव डेमो वीडियो दिखा रहा हूं, जिससे आप अपने एक उंगली से, जी हाँ, आप अपने एक उंगली से उस एलपीजी गैस की आग को आसानी से बुझा सकते हैं। तो किस तरह बुझा सकते हैं यह आप लाइव डेमो देखिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आग जो है वो जलेगा, वो भी यह जब आपकी गैस सिलेंडर की रेगुलेटर की बटन जो है वह खराब हो जाए और गैस की जो लीकेज है वो बंद ना हो, तब आप इसका उपयोग करें। तो चलिए, किस तरह से आप इसको बुझा सकते हैं अपने उंगली से यह मैं दिखा रहा हूं। बिल्कुल इस तरह से अपने उंगली को पास ले आए और एक झटके में ही इसे ऐसे करके दबा दें। इस तरह से जो है गैस की आग बुझ गई। तो आप भी इसे आसानी से बुझा सकते हैं। कृपया इसे आप अपने घर पे डेमो की तरह करने की कोशिश ना करें। जब आपातकालीन स्थिति हो तभी आप इसका उपयोग करें। धन्यवाद। अगर आपके एलपीजी गैस में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में एक छोटा सा टिप्स देने जा रहा हूँ। आपके एलपीजी गैस में सिलेंडर में आग लग जाए तो आप इस वीडियो की तरह आसानी से बुझा सकते हैं।
अगर आपका हिम्मत ना हो आग बुझाने की, तो आप कृपया उस सिलेंडर को टेढ़ा करके बाहर ले जाए, किसी पानी की टैंक में या नाली में डाल दे, जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है गैस सिलेंडर की रेगुलेटर में आग लग जाती है, जिसे बुझा पाना मुमकिन होता है। इस स्थिति में आप अपने घर के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकाल दें और 101 नंबर मतलब फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दें। एलपीजी गैस सिलेंडर की आग को रेड डालकर भी काबू पाया जा सकता है। अगर एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो आप जितना जल्द हो सके वहाँ आसपास जितने भी ज्वलनशील सामग्री है वहाँ उसे वहाँ से तत्काल हटा दें। एक बात मैं और बता दूँ कि लोग कहते हैं कि सिलेंडर पे आग लग गई तो वह फट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से नहीं फटता। एलपीजी सिलेंडर की बाहरी सतह जो होता है वह गर्म होने से फटता है। अगर आप रात को सोते हैं तो एलपीजी सिलेंडर की रेगुलेटर को बंद करके ही सोएं। हो सके तो गैस की पाइप को हर 6 महीने में बदलते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को सारी इक्विपमेंट दिखाने जा रहा हूँ। इसका नाम है ब्रीदिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब BSHD भी बोलते हैं। यह जो सिस्टम होता है इसे पहन के कोई भी फायरमैन किसी जगह फंसे हुए व्यक्ति को निकालने जाता है या कहीं धुआं या जहरीली गैस होता है उस जगह पर जाते हैं तो इस BSHD को पहन के जाते हैं। इस BSHD का काम यह होता है कि कहीं जहरीली गैस है या धुआं है वहाँ सांस लेने में दिक्कत होता है, तो इस BSHD को पहनने से कोई भी दिक्कत नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे जो सिलेंडर लगा रहता है उसमें फ्रेश एयर होता है और इस एयर से ही हम जो फायरमैन होते हैं वह अंदर सांस लेते हैं। इसमें जो मास्क होता है वह एयर टाइट मास्क होता है, मतलब बाहर की जो वायु है या बाहर की जो गैस है वह अंदर नहीं आता। हम केवल सांस लेंगे तो BSHD की जो सिलेंडर है उससे ही हमें एयर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोग को BSHD का पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ और इसे हमारे दोस्त कृष्ण कुमार पटेल जी आपको पहन के दिखाएंगे भी। ये हमारे दोस्त कृष्ण कुमार पटेल जी हैं जो एयरपोर्ट में एक्सपर्ट फायरमैन के रूप में तैनात हैं और ये हमें BSHD पहनकर दिखाएंगे। इस BSHD को पहनना बहुत ही आसान है। यह फेस मास्क है, यह पूर्ण रूप से एयरटाइट होता है, इसमें बाहर की जो हवा होता है वह अंदर नहीं जाता। इस BSHD के अंदर फ्रेश हवा डाला रहता है जो हमें श्वास लेने में मदद करता है और इसका फेस मास्क जो होता है वह पूर्ण रूप से एयरटाइट होने के कारण बाहरी हवा जो होता है वह हमारे श्वास लेने तक नहीं पहुंच पाता। जब हम इस BSHD को पहनकर श्वास लेते हैं तो इस तरह से बचता है। यह सुनिए, आवाज सुनिए इसका। जब कभी आपातकालीन स्थिति होती है उस जगह हमें फायर फाइटिंग करना हो या बचाव कार्य के लिए जाना हो उस वक्त हमें BSHD पहनकर ही प्रवेश करना होता है, क्योंकि हो सकता है जहां हम प्रवेश कर रहे हों उस जगह पर कोई धुआं फैला हो या जहरीली गैस हो जिससे हमारे जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हम BSHD का उपयोग करते हुए फंसे हुए व्यक्ति को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम बचाव कार्य के लिए किसी बिल्डिंग या कहीं प्रवेश करते हैं तो देखिए इस तरह से BSHD को पहनकर ही हम अंदर प्रवेश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम किचन फायर के बारे में जानेंगे। अगर किसी बर्तन में तेल है और उसमें आग लग जाए तो उसे हम
तीन तरीके से आसानी से बुझा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को किचन फायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें होता क्या है, जब घर में खाना बनता है, सब्जी बनता है या कोई पकवान बनता है, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी कढ़ाई के तेल में आग लग जाती है। तो आग लगने से वहाँ पर माताएं लोग या बहन लोग घबरा जाते हैं कि उस आग को कैसे बुझाएं, क्योंकि तेल की आग जो होता है वह पानी से नहीं बुझता। तो उस आग को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से बुझा सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं पूरा लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक कढ़ाई में तेल है, इस कढ़ाई के तेल को हम किस तरह से आग लगने पर उस पर कंट्रोल पा सकते हैं, इसके बारे में आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर क्या है, कभी कभी खाना बनाते समय या मान लो पकवान बनाते समय समोसा भजिया आलू गुंडा कुछ भी बनाते हैं, उस समय उस पर अधिक हीट या मतलब ताप होने के कारण तेल में आग लग जाता है। तो आग लगने से सब घबरा जाते हैं कि आग जो है वह कैसे बुझे, क्योंकि पानी डालने से वह आग और बढ़ता है, बुझता नहीं है। तो उस आग को बुझाने के लिए हमारे पास तो कोई इक्विपमेंट नहीं होता। तो उस आग को आप किस तरह से बुझा सकते हैं, इसको मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, यह देखिए, इस तरह से अगर आग लग जाए तो आपको करना क्या होगा, इस तरह से एक चादर को पानी में भिगा कर निकाल ले और इस तरह से ऐसे कढ़ाई के ऊपर फेंक दे, उससे वह आग बुझ जाएगी। इस तरीके को आप एक बार फिर से स्लो मोशन में देखिए। अब जानते हैं दूसरा उपाय। अगर बर्तन में आग लग गया है और उस आग को बुझाना है, तो सिंपल सा उस बर्तन की ढक्कन को लें और उस बर्तन के ऊपर ढक दे, जिससे ऑक्सीजन का कटअप हो जाएगा और वह आग आसानी से बुझ जाएगा। अब जानते हैं तीसरा उपाय। अगर किसी तेल वाले बर्तन में आग लग गया है, तो उस आग को बुझाने के लिए हम बेकिंग पाउडर मतलब मीठा सोडा का उपयोग करके हम उस आग को आसानी से बुझा सकते हैं। जिस बर्तन में आग लगा है उसमें हम इस बेकिंग सोडा पाउडर को डाल देते हैं, जिससे उसमें झाग फैल जाएगा और ऑक्सीजन कटअप होके आग जो है आसानी से बुझ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को बिजली की आग और उससे सुरक्षा के कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। तो आप इस सुरक्षा के उपाय से बिजली की आग और बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से आसानी से बच सकते हैं। दोस्तों, जब बिजली की आग लगती है तो वायर जो है वह जलने लगता है, या बिजली की जो इक्विपमेंट होता है या जो भी बल्ब है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, ये जो बिजली से चलने वाले सामान होते हैं, उसकी आग लगने से हम उसे किस तरह से बुझाएं, या इन्वर्टर है, बैटरी है, इसकी आग को आप किस तरह से बुझाएं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल जानकारी दूंगा और कि किस तरह से आप बिजली की आग को आसानी से बुझा सकते हैं। जैसे कि बिजली की आग होती है, उसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पानी का इस्तेमाल करने से यह हमें शॉक लग सकता है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसकी इस बिजली की आग को बुझाने के लिए हमें किस प्रकार की वस्तु की जरूरत होगी, जिससे हम बिजली की आग बुझा सकते हैं। तो एक तो होता है रेत। तो रेत जो है वह हर घर में उपलब्ध नहीं हो पाता, जब आग लगती है उस समय तो उपलब्ध हो ही नहीं पाता। अगर किसी घर में होता है तो वह इसका उपयोग आसानी से कर सकता है। दूसरा यह होता है कि अगर बिजली में आग लग गई तो आप उसमें पानी न डालें, क्योंकि पानी डालने से हमें शॉक लगेगा और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। सबसे पहले अगर आग लग जाए तो कोशिश करें कि उस आग को बुझाने के लिए आप मेन स्विच को जो होता है मेन स्विच होता है उसे आप बंद कर दीजिए। अगर यह आपको समझ ना आए या फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं आपको एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जिसका उपयोग करके आप बिजली की आग को आसानी से बुझा सकते हैं। तो इस बिजली की आग को बुझाने के लिए आप डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ का उपयोग आप कर सकते हैं। यह जो होता है यह हर घर में उपलब्ध होता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको उपयोग करके बिजली की आग को आसानी से बुझा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप बिजली की आग को बुझा सकते हैं। तो आप इस कौन सा चीज है जिससे आप बिजली की आग बुझा सकते हैं, इसको भी आप देखिए और
आपके घर में उपलब्ध है उस पर यूज कीजिए। यदि आप मेन स्विच बोर्ड, केबल, वायर या फिर इन्वर्टर की बैटरी में लगी हो तो उस समय आप उस आग को बुझाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर मतलब सर्फ को, डिटर्जेंट पाउडर या सर्फ जिसे बोलते हैं, इसे आप तो आप इस डिटर्जेंट पाउडर को सूखा ही लीजिए और बिजली की उस आग में फेंकिए, जिससे वह बिजली की आग जो है वह आसानी से बुझ जाएगी। तो इस तरह से आप डिटर्जेंट पाउडर की मदद से बिजली की आग को आसानी से बुझा सकते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति बिजली की करंट में चिपक गए हो तो आप उस व्यक्ति को किस तरह बचा सकते हैं, ये देखिए। इसको बचाने के लिए आपको एक चादर, इस तरह से चादर या कंबल जो होता है उसे मोड़ लीजिए और इस चादर या कंबल को अपने पीछे में इस तरह फेंकिए, ये देखिए। अब उस व्यक्ति के पीछे जाके खड़ा हो जाइए और थोड़ा गैप कर रखिए, क्योंकि उस व्यक्ति से आपका संपर्क ना हो, और इस तरह से फेंकिए कंबल को, देखिए, या चादर को, और इस तरह से खींच दीजिए, जिससे वह व्यक्ति जो है वह बिजली की करंट से अलग हो जाए। आता है अगर कोई भी व्यक्ति आता है और खुला वायर या किसी भी प्रकार का पिन जो होता है उसे स्विच ऑन में अगर प्लग में वह इंसर्ट करता है, उस समय अगर अर्थ मिल जाए जमीन से, उसे चप्पल नहीं पहना है वह व्यक्ति, तो उसे शॉक लग सकता है और इस तरह से झटका लगेगा उसे, ये देखिए, वह चप्पल नहीं पहना हुआ है इसलिए उसे झटका लग गया, क्योंकि उसका हाथ जो है हो सकता है उस पिन की पॉइंट पे पड़ा हो, जिससे इस व्यक्ति को करंट लगा है। तो इस स्थिति में आप किस तरह से बच सकते हैं, इसके लिए मैं आपको डिटेल जानकारी और लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए, यह व्यक्ति बिल्कुल खुला पैर है, ये देखिए खुला पैर है, इसलिए इसे शॉक लग गया, क्योंकि इसे अर्थ जमीन से भी मिल गया है। इस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, ये देखिए, हमें इस तरह से सुरक्षित रहना है, बिल्कुल। ये देखिए, यह व्यक्ति जो आ रहा है वह पैर में चप्पल पहना हुआ है और ये देखिए पिन को लगा के स्विच को ऑन कर रहा है, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से इस प्रक्रिया को कर रहा है, तो इससे शॉक लगने की जो संभावना है वह बहुत कम है। कर दोस्तों, मैं आज आप लोग को स्मोक यानी कि धुएं से बचने के तरीके बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर कहीं आग लग जाता है और वहाँ धुआं भर जाता है तो उस जगह से आपको निकलना कैसे है या आप किस तरह से वहाँ से बच सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी रूम में फंस गए हो और वहाँ धुआं पूरा भर गया है तो आप उस समय किस तरह से वहाँ से बच के निकल सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारा वीडियो फायर फाइटर महेंद्र को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ के घर या आसपास के बिल्डिंग में अगर आग लग गया हो और आपके कमरे में भी धुआं भर गया हो और आप उस धुएं में फंसे हो, तो आप कैसे अपने जान बचा के वहाँ से निकल सकते हैं, इसके बारे में आपको ये देखिए बताने जा रहा हूँ। और इस तरह से आप आसानी से उस धुएं वाली जगह से निकल कर अपने जान बचा सकते हो। तो आप इस तरह से देखिए, लेट जाइए और क्लोरिंग करते हुए उस धुएं वाली जगह की से आप आसानी से बाहर निकल जाइए, क्योंकि धुआं जो होता है वह ज़मीन की सतह से ऊपर होता है। अगर आपके पास कोई कपड़ा या रुमाल या फिर मास्क हो तो हो सके तो उसे आप पानी से भिगा लीजिए। अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो भी आप उससे अपने मुंह और नाक को ढककर घुटनों के बल चलते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाइए, जिससे आपकी जान आसानी से बच सकती है। अगर आपके पास रुमाल, कपड़ा या मास्क नहीं है तो भी आप घुटनों के बल चलते हुए उस धुआं वाली जगह से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप नहीं निकल सकते तो 101 फायर ब्रिगेड के नंबर पर कॉल कर सूचित करें और अपने फंसे हुए जगह को बताएं, जिससे फायरमैन जो है वह आकर आपको ढूंढ के आसानी से बाहर निकाल सकता है। फायरमैन जो होता है वह BSET मतलब ब्रीदिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे किसी भी फंसे हुए व्यक्ति को उस
धुएं या फिर जहरीली गैस वाली जगह पर घुसकर इस तरह से रेस्क्यू कर आसानी से बाहर निकाल सकता है और उस व्यक्ति की जान तो इस तरह से आप 101 फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फायरमैन से आप सहायता ले सकते हैं। फायरमैन अग्नि दुर्घटना एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नमस्कार, हमारे और हमारे YouTube चैनल फायर फाइटर महेंद्र की तरफ से और हमारे तरफ से आपको और आपके सभी परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइन डाल पे थक भंग भंग ले करी नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को मोबाइल की सुरक्षा के बारे में बताना जा रहा हूँ। कई जगह ऐसा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन में आग लगा है और जिससे बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से आप होने वाले दुर्घटनाओं को आसानी से रोक सकते हैं। आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, किसी के पास तो 2 और 3 मोबाइल है। दोस्तों, सभी व्यक्ति मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल यूज करने के साथ उससे घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि उसे यह पता नहीं होता कि वह व्यक्ति मोबाइल को किस तरह से चलाए और कैसे उसका देखभाल करे, जिससे किसी भी प्रकार की होने वाली घटनाओं से वह आसानी से बच सकता है। कई जगह मोबाइल में ब्लास्ट होने से कई लोगों की मौत भी हुई है। मोबाइल में ब्लास्ट होना और आग लगना यह बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से आप किस तरह से बच सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि किस तरह से आप मोबाइल की देखभाल करके उसकी सुरक्षा करके आप भी सुरक्षित रह सकते हैं और उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल यूज करना एक सामान्य बात है। लोग आज मोबाइल से गेम खेलते हैं, काम करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं और अन्य प्रकार के काम करते हैं, जिससे मोबाइल में ओवरलोड होता है। यह नहीं कि घर का ही जो बिजली होता है उसमें ओवरलोड होता है, मोबाइल में भी ओवरलोड होता है, जिससे मोबाइल हीट होकर फटता है और बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ भी हो जाती है। तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए यह वीडियो ज़रूर देखें। मोबाइल यूजर को डरने की बजाय सीख लेने की आवश्यकता है। आग लगने से कैसे बचा जाए, आइए जानते हैं। सोने के दौरान अक्सर यूजर अपने फ़ोन को तकिए के नीचे रख कर सो जाते हैं। इस आदत को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे फ़ोन गर्म होता है और तकिए के दबाव से फ़ोन को नुकसान भी होता है। यूजर को अपने फ़ोन को हमेशा डायरेक्ट सॉकेट में लगाकर चार्ज करने की आदत डालें। अति आवश्यक होने पर ही पावर स्ट्रिप एक्सटेंशन बोर्ड से चार्ज करें। स्मार्टफोन की सर्विसिंग के लिए कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के पास ही जाना चाहिए। इससे यूजर के फ़ोन का ओरिजिनल पार्ट्स में चोरी या बदलाव का खतरा नहीं रहेगा। अक्सर मोबाइल फ़ोन हम सोते वक्त यूज करते हैं और जब नींद आने लगती है तो चार्जिंग में लगाकर सो जाते हैं। यह आदत फ़ोन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस आदत के कारण यूजर का फ़ोन और फ़ोन की बैटरी दोनों खराब हो सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कोई भी कार्य कर रहे हो या गेम खेल रहे हो या फिर किसी को फ़ोन कर रहे हो और आपका मोबाइल का बैटरी लो हो जाए,
इस दौरान आप क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज में लगा लेते हैं और फिर से कॉल करते हैं, और चार्ज में लगा हुआ मोबाइल को कॉल करते हैं तो मोबाइल और मोबाइल की बैटरी हीट होकर मोबाइल फट जाती है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरह से आप मोबाइल से होने वाली दुर्घटनाओं से आसानी से बच सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। Watch your footing when you go in.
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर के बारे में। कैसे एक हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं पूरे 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है, यहाँ तक कि ये हवा में भी अस्थिर रह सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए आ गए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के इस थ्योरी को आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। हेलीकॉप्टर के वर्क फंक्शन को समझने के लिए बस इतना ही काफी है। हेलीकॉप्टर के नाम सुनते ही सबसे पहले मन में ख्याल आता है एक बड़ा सा विंग्स का जो तेजी से रोटेट करते रहती है, और एक छोटा सा रोटर जो हेलीकॉप्टर के टेल में लगा होता है। इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हमें वापस चलना पड़ेगा न्यूटन के लॉ पर, जो हमें बताती है कि जब भी हम कभी फोर्स लगाते हैं तो ठीक उसके विपरीत और बराबर फोर्स हमें फेस करना पड़ता है। इट मीन्स जब हेलीकॉप्टर का रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हेलीकॉप्टर पे एक फोर्स लगता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे हेलीकॉप्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल गोल घूमने लगता है। इसी घुमाव को रोकने के लिए टेल में एक छोटा सा रोटर या विंग्स लगा दिया जाता है, जो भी कहें आप। इस रोटर के घूमने पर एक फोर्स लगता है जो हेलीकॉप्टर को बैलेंस कर देता है। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि हेलीकॉप्टर को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये, तो न्यूटन के लॉ से हमने ये सीखा कि हेलीकॉप्टर के विंग इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। वेल, तो जब फोर्स इक्वल है तो इतने बड़े रोटर को एक छोटा सा रोटर कैसे बैलेंस कर सकता है? इसका जवाब हमें फिजिक्स देगा। आपने कभी ना कभी इसको जरूर नोटिस किया होगा, जब आप एक बड़े से सामान को उठाने की कोशिश करते हैं एक लंबे रॉड की हेल्प लेके, जिससे आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती होगी और वह भारी भरकम सामान को आसानी से उठा लिया जाता होगा। वेल, यही कारण है कि हेलीकॉप्टर का एक छोटा रोटर भी बड़े से विंग्स को बैलेंस कर देती है। तो अभी तक हमने ये जाना कि हेलीकॉप्टर को कैसे बैलेंस किया जाता है, और अब हम इसे उड़ाना सीखेंगे। मैंने पहले भी प्लेन के उड़ने पर दो वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं इस वीडियो को खत्म होने के बाद। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस तरह से एक प्लेन का विंग्स एयरफॉइल के शेप के कारण ड्रैग को मिनिमाइज करके प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जो कि एक प्लेन को लिफ्ट दे देता है। वेल, यही प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे भी काम आता है। हेलीकॉप्टर में मेन रोटर के सारे विंग्स को एक रोड से कनेक्ट कर दिया जाता है, और ये सारे रोड एक होलो सिलेंडर से कनेक्ट होता है, और ये सिलेंडर फिक्स किया जाता है एक बेयरिंग में, और इस बेयरिंग के मदद से सिलेंडर विंग्स के साथ साथ रोटेट करते रहता है। सिलेंडर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये अप डाउन करके विंग्स के एंगल को बदल सकता है, और फाइनली इसका शाफ्ट कनेक्टेड होता है इंजन से, जो कि पावर ट्रांसमिट करती है। जब पायलट इंजन को स्टार्ट करता है तो विंग्स रोटेट करना शुरू कर देता है। शुरुआती कंडीशन में विंग्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, इस वजह से हेलीकॉप्टर में किसी भी प्रकार का लिफ्ट नहीं मिलती। जैसे जैसे पायलट विंग्स के एंगल को बढ़ाते जाता है, हेलीकॉप्टर को लिफ्ट मिलना शुरू हो जाता है, और ये धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगती है। वहीं अगर हेलीकॉप्टर के पीछे वाले विंग्स की बात करें तो उसमें भी रोटर के एंगल को बदल के प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जो कि हेलीकॉप्टर के स्पिन को मिनिमाइज कर दे, अर्थात हेलीकॉप्टर को एक बैलेंस कंडीशन में रखे। तो अब बात करते हैं कि ये आगे पीछे और दाएं बाएं कैसे फ्लाई करती है। तो जैसा कि हमने सीखा कि विंग्स के एंगल को कंट्रोल करके हेलीकॉप्टर को लिफ्ट दिया जाता है। जब विंग्स रोटेट करते हुए आगे की ओर जाता है तो विंग्स के एंगल को बढ़ा दिया जाता है, जिससे पीछे की ओर एक फोर्स लगता है। वहीं जब विंग्स पीछे की ओर रोटेट करते हुए जाता है तो विंग्स के एंगल को घटा दिया जाता है, जिसके कारण आगे की ओर एक फोर्स लगता है। तो हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा झुक जाता है, वहीं पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है। इसके ठीक ऑपोजिट जब हम विंग्स को सेट कर देते हैं तो ये पीछे की ओर उड़ने लगती है। इसी तरह से हम एंगल को बदल के किसी भी डायरेक्शन में, इसी तरह जिस भी डायरेक्शन में हम हेलीकॉप्टर को ले जाना चाहे, बड़े ही आसानी से ले जा सकते हैं विंग्स के एंगल को बदल बदल के। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है हेलीकॉप्टर के पूरे वर्क फंक्शन और मैकेनिज्म को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
यहाँ से लगभग 3.7 किलोमीटर पर स्थित है बिलासा देवी के वहाँ हवाई अड्डा। अब हम चकरभाठा कैंप पहुंच चुके हैं, यहां से हमें और आगे जाना होगा। अब हमें यहां से ओवर ब्रिज के ऊपर से सफर करना होगा। यही नजदीक में चकरभाठा रेलवे स्टेशन भी स्थित है। यहां से आप रेलवे के माध्यम से पहुंचकर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। यह रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट। ये देखिए, अब कुछ ही दूर बच गया है, यहां से 1 किलोमीटर बचा है चकरभाठा एयरपोर्ट। अब यहां से हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा। अब हम बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर चकरभाठा पहुंच चुके हैं। यह जो है वह टर्मिनल बिल्डिंग है, तो चलिए हम चलते हैं टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। इस तरह से आप बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं। पाउडर या सर्फ जिसे बोलते हैं, इसे आप तो आप इस डिटर्जेंट पाउडर को सूखा ही लीजिए और बिजली की उस आग में फेंकिए, जिससे वह बिजली की आग जो है वह आसानी से बुझ जाएगी। तो इस तरह से आप डिटर्जेंट पाउडर की मदद से बिजली की आग को आसानी से बुझा सकते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति बिजली की करंट में चिपक गए हो तो आप उस व्यक्ति को किस तरह बचा सकते हैं, ये देखिए। इसको बचाने के लिए आपको एक चादर, इस तरह से चादर या कम्बल जो होता है उसे मोड़ दीजिए और इस चादर या कम्बल को अपने पीछे में इस तरह फेंकिए, ये देखिए। अब उस व्यक्ति के पीछे जाके खड़ा हो जाइए और थोड़ा गैप कर रखिए, क्योंकि उस व्यक्ति से आपका संपर्क ना हो। और इस तरह से फेंकिए कंबल को, देखिए, या चादर को, और इस तरह से खींच दीजिए, जिससे वह व्यक्ति जो है वह बिजली की करंट से अलग हो जाए। आता है अगर कोई भी व्यक्ति आता है और खुला वायर या किसी भी प्रकार का पिन जो होता है उसे स्विच ऑन में अगर प्लग में वह इंसर्ट करता है, उस समय अगर अर्थ मिल जाए जमीन से, उसे चप्पल नहीं पहना है वह व्यक्ति, तो उसे शॉक लग सकता है
और इस तरह से झटका लगेगा उसे, ये देखिए वह चप्पल नहीं पहना हुआ है इसलिए उसे झटका लग गया, क्योंकि उसका हाथ जो है हो सकता है उस पिन की पॉइंट पे पड़ा हो जिससे इस व्यक्ति को करंट लगा है। तो इस स्थिति में आप किस तरह से बच सकते हैं इसके लिए मैं आपको डिटेल जानकारी और लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए यह व्यक्ति बिल्कुल खुला पैर है, ये देखिए खुला पैर है इसलिए इसे शॉक लग गया, क्योंकि इसे अर्थ जमीन से भी मिल गया है। इस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, ये देखिए हमें इस तरह से सुरक्षित रहना है। बिल्कुल ये देखिए यह व्यक्ति जो आ रहा है वह पैर में चप्पल पहना हुआ है और ये देखिए पिन को लगा के स्विच को ऑन कर रहा है, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से इस प्रक्रिया को कर रहा है। इससे शॉक लगने की जो संभावनाएं हैं वह बहुत कम है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को स्मोक यानी कि धुएं से बचने के तरीके बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर कहीं आग लग जाता है और वहाँ धुआं भर जाता है तो उस जगह से आपको निकलना कैसे है या आप किस तरह से वहाँ से बच सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप किसी भी रूम में फंस गए हो और वहाँ धुआं पूरा भर गया है तो आप उस समय किस तरह से वहाँ से बच के निकल सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों हमारा वीडियो फायर फाइटर महेंद्र को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ के घर या आसपास के बिल्डिंग में अगर आग लग गया हो और आपके कमरे में भी धुआं भर गया हो और आप उस धुएं में फंसे हो तो आप कैसे अपने जान बचा के वहाँ से निकल सकते हैं, इसके बारे में आपको ये देखिए बताने जा रहा हूँ। और इस तरह से आप आसानी से उस धुएं वाली जगह से निकल कर अपने जान बचा सकते हो। तो आप इस तरह से देखिए लेट जाइए और क्लोरिंग करते हुए उस धुएं वाली जगह की से आप आसानी से बाहर निकल जाइए, क्योंकि धुआं जो होता है वह ज़मीन की सतह से ऊपर होता है। अगर आपके पास कोई कपड़ा या रुमाल या फिर मास्क हो तो हो सके तो उसे आप पानी से भिगा लीजिए, अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो भी आप उससे अपने मुंह और नाक को ढककर घुटनों के बल चलते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाइए जिससे आपकी जान आसानी से बच सकती है। अगर आपके पास रुमाल कपड़ा या मास्क नहीं है तो भी आप घुटनों के बल चलते हुए उस धुआं वाली जगह से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप नहीं निकल सकते तो 101 फायर ब्रिगेड के नंबर पर कॉल कर सूचित करें और अपने फंसे हुए जगह को बताएं, जिससे फायरमैन जो है वह आकर आपको ढूंढ के आसानी से बाहर निकाल सकता है। फायरमैन जो होता है वह BSET मतलब ब्रीदिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारे किसी भी फंसे हुए व्यक्ति को उस धुएं या फिर जहरीली गैस वाली जगह पर घुसकर इस तरह से रेस्क्यू कर आसानी से बाहर निकाल सकता है और उस व्यक्ति की जान बचा सकता है। तो इस तरह से आप 101 फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फायरमैन से आप सहायता ले सकते हैं। फायरमैन अग्नि दुर्घटना एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। नमस्कार, हमारे और हमारे YouTube चैनल फायर फाइटर महेंद्र की तरफ से और हमारे तरफ से आपको और आपके सभी परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। डाल भाग 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 लेकर ही नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को मोबाइल की सुरक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ। कई जगह ऐसा हुआ है कि मोबाइल फोन में आग लगा है और जिससे बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई है।
तो दोस्तों, इस तरह से आप होने वाले दुर्घटनाओं को आसानी से रोक सकते हैं। आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, किसी किसी के पास तो 2 और 3 मोबाइल है। दोस्तों, सभी व्यक्ति मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल यूज करने के साथ उससे घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि उसे यह पता नहीं होता कि वह व्यक्ति मोबाइल को किस तरह से चलाए और कैसे उसका देखभाल करे, जिससे किसी भी प्रकार की होने वाली घटनाओं से वह आसानी से बच सकता है। कई जगह मोबाइल में ब्लास्ट होने से कई लोगों की मौत भी हुई है। मोबाइल में ब्लास्ट होना और आग लगना, यह बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से आप किस तरह से बच सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि किस तरह से आप मोबाइल की देखभाल करके, उसकी सुरक्षा करके आप भी सुरक्षित रह सकते हैं और उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल यूज करना एक सामान्य बात है। लोग आज मोबाइल से गेम खेलते हैं, काम करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं और अन्य प्रकार के काम करते हैं, जिससे मोबाइल में ओवरलोड होता है। यह नहीं कि घर का ही जो बिजली होता है उसमें ओवरलोड होता है, मोबाइल में भी ओवरलोड होता है, जिससे मोबाइल हीट होकर फटता है और बहुत बड़ी दुर्घटनाएँ भी हो जाती है। तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए यह वीडियो ज़रूर देखें। मोबाइल यूजर को डरने की बजाय सीख लेने की आवश्यकता है। आग लगने से कैसे बचा जाए, आइए जानते हैं। सोने के दौरान अक्सर यूजर अपने फ़ोन को तकिए के नीचे रख कर सो जाते हैं। इस आदत को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे फ़ोन गर्म होता है और तकिए के दबाव से फ़ोन को नुकसान भी होता है। यूजर को अपने फ़ोन को हमेशा डायरेक्ट सॉकेट में लगाकर चार्ज करने की आदत डालें। अति आवश्यक होने पर ही पावर स्ट्रिप एक्सटेंशन बोर्ड से चार्ज करें। स्मार्टफोन की सर्विसिंग के लिए कंपनी के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के पास ही जाना चाहिए। इससे यूजर के फ़ोन का ओरिजिनल पार्ट्स में चोरी या बदलाव का खतरा नहीं रहेगा। अक्सर मोबाइल फ़ोन हम सोते वक्त यूज करते हैं और जब नींद आने लगती है तो चार्जिंग में लगाकर सो जाते हैं। यह आदत फ़ोन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस आदत के कारण यूजर का फ़ोन और फ़ोन की बैटरी दोनों खराब हो सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कोई भी कार्य कर रहे हो या गेम खेल रहे हो या फिर किसी को फ़ोन कर रहे हो और आपका मोबाइल का बैटरी लो हो जाए, इस दौरान आप क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज में लगा लेते हैं और फिर से कॉल करते हैं, और चार्ज में लगा हुआ मोबाइल को कॉल करते हैं तो मोबाइल और मोबाइल की बैटरी हीट होकर मोबाइल फट जाती है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरह से आप मोबाइल से होने वाली दुर्घटनाओं से आसानी से बच सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।